स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स इन दिस क्लास ऑफ क्लास 4 EBS वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। सो द चैप्टर 20 आवर मैसेजेस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द लेसन नंबर 20 चैप्टर 20। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 21 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ fire. Okay, very interesting chapter. Let's start and study about this. So the objectives of this lesson that you will get to know the way of life during the age of the caveman, because we don't know that when the right now you don't know that when the we got the fire and then we got to know when the fire came into the existence. So these things we don't know. So we are going to talk about this interesting chapter. You will get to know the life of the caveman who used to live in the caves. And after that, we will get to know that how our life, the life of the human gets changed when the fire discovered. Okay, when they discovered the fire. So hum baat karenge ki किस तरीके से गुफाओं में रहने वाले जो ह्यूमंस थे उनकी लाइफ कैसी थी, एंड देन हम बात करेंगे कि जो चेंज किस तरीके से चेंज आया ह्यूमन लाइफ में, जैसे ही आग का आविष्कार होता है तो कैसे कैसे ह्यूमंस की लाइफ, ह्यूमन की लाइफ में चेंज आता गया। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। सो वी विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट इज सेइंग अर्ली मैन टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ हिज सर्वाइवल। सो ये दैट जो भी पुराने टाइम एंशियंट टाइम में जो ह्यूमंस थे वो टोटली किस पर डिपेंड थे, वो टोटली डिपेंड थे नेचर पर, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, राइट। जो प्राचीन के पहले के समय में, जो कि प्राचीन समय में ह्यूमंस होते थे, व्यक्ति थे, जो भी ह्यूमंस थे वो सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ को स्पेंड करने यानी जीवित रहने के लिए। द मीनिंग ऑफ द सर्वाइवल इज कि आप किस तरीके से जीवित रहते हो, उसके लिए जीने के लिए किस पे डिपेंड थे, वो टोटल डिपेंड थे नेचर पर, प्रकृति पे डिपेंड रहते थे। वो किस तरीके से प्रकृति पे डिपेंड रहते थे, लेट्स सी। अर्ली मैन यूज टू लीव लाइक एनिमल इन द फॉरेस्ट। सो दे यूज टू लीव लाइक एनिमल, अर्ली मैन जो थे दे यूज टू लीव लाइक एनिमल्स। पहले के टाइम पे जो ह्यूमन थे वो कैसे रहते थे, वो जानवरों की तरह रहा करते थे, जानवरों की तरह जंगलों में, ओके, जंगलों में अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करते थे। कोई सिटी नहीं थी, कोई टाउन नहीं था, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। वो कहाँ रहते थे, वो जंगलों में जानवरों की तरह अपनी लाइफ स्पेंड किया करते थे। नाउ द नेक्स्ट थिंग, वी हैड टू मूव फ्रॉम, ही हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। अब क्योंकि वो नेचर पे टोटली डिपेंड थे, वो एक जगह पे रहा करते थे, तो इससे क्या होता था कि जो भी नेचर से जुड़ी डी हुई जो भी सोर्स रिसोर्सेज हैं वो यूज़ कर लिया करते थे, लाइक फ्रूट्स, ओके, जो भी फ्रूट्स उन्हें मिल रहे हैं, जो भी जैसे कि नेचर का ये पार्ट है, जिस पार्ट में वो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे वेदर कैस कुछ और है, तो यहाँ पे वो एक्सिस्ट कर रही है, एंड यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी है जो कि उन्हें खेती करने तो आती नहीं थी, वट एवर जो भी नेचर से मिलता था उन्हें यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे वेदर चेंज हुआ, दे हैव टू गो समवेयर एल्स, वो किसी और प्लेस पर जाते थे और वहाँ पे फिर वो रहा करते थे और वहाँ पे अपने डेज जो है वो स्पेंड करते थे। तो इस तरीके से उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना पड़ता था, किस चीज़ के लिए, सर्वाइवल के लिए, और अपने लाइफ को स्पेंड करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। किसके लिए, पहला तो सर्वाइवल, दूसरा फूड, उन्हें फूड नहीं मिलता था एक ही जगह पे, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ही हैड टू मूव। दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। द नेक्स्ट इज सेइंग ही
मोस्टली यूज टू हंट एनिमल्स. यस, जो पहले के बर्ड्स थे दे यूज टू हंट, सॉरी हंट एनिमल्स. जो पहले के ह्यूमन थे प्राचीन समय में क्या करते थे, वो जीवित रहने के लिए जानवरों का शिकार करते थे. एंड एट रॉ फ्लैश, और वो इन जानवरों के, क्योंकि हमारे पास गैस या कोई इंडक्शन या ऐसी चीज़ें अवेलेबल तो थी नहीं पहले के टाइम पे ह्यूमन के पास ना, तो वो क्या करते थे, उन्हें ये भी नहीं पता था कि आग कैसे जलानी है. वो जानवरों को मारते थे और उसके बाद उनको उनके जो फ्लैश, उनके जो मांस होती थी ओके, उसको रॉ, उसको कच्चा ही खा जाते थे. ओके, सो एट रॉ फ्लैश, जो मांस होती थी, फ्लैश मीन्स मांस, रॉ मीन्स कच्चा, कच्चे मांस को खाया करते थे. तो वी कैन से कि वो पहले तो खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, सेकेंड वो जो थे वो जानवरों का शिकार करते थे, एंड वो रॉ फ्लैश जो है वो खा जाते थे, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं था अपनी लाइफ को, अपनी सर्वाइवल के लिए कोई और तरीका उनके पास नहीं था. अगर उन्हें जीवित रहना है तो दे हैव टू ईट समथिंग, फूड की ज़रूरत होगी, और इसलिए वो रॉ फ्लैश, कच्चे मांस को भी खा जाया करते थे जानवरों. Now the next thing is saying he did not wear any clothes either. Okay, so no clothes. वो कोई कपड़े भी नहीं पहना करते थे. Okay, वो कपड़े भी नहीं पहना करते थे. क्यों? क्योंकि they did not know that how to. उनके पास ना कि आज we have a lot of material, cotton. And then we have a lot of जो ड्रेस मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, जो फैब्रिक्स होते हैं वो अवेलेबल हैं, बट उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था. दे हैव स्पेंड अ हार्ड टाइम ओके, और उनके पास कपड़े नहीं थे, तो इन द प्लेस ऑफ क्लोथ्स वो जो एनिमल्स की स्किन होती है उसे पहना करते थे. एनिमल्स स्किन ओके, जो एनिमल्स की स्किन होती है, स्किन की लेयर होती है ना, उस स्किन के को ही वो कपड़े के रूप में पहना करते थे. सो इस तरीके से दे हैव यूज्ड टू स्पेंड देयर लाइफ. फर्स्ट वो नेचर पे डिपेंड थे, फॉरेस्ट में रहा करते थे, फूड के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, एंड हंट एनिमल्स, वो जानवरों का शिकार करते थे. एंड नेक्स्ट थिंग इज कि वो क्या करते थे, नेक्स्ट थिंग है हमारा, वो कच्चे मांस को भी खा जाया करते थे. एंड आफ्टर दिस उनके पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, तो वो एनिमल्स की स्किन को ही पहन लिया करते थे. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गिवन द डिस्कवरी ऑफ फायर. आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स, आफ्टर द दीज थिंग्स क्या होता है, डिस्कवरी होती है फायर की, आग का आविष्कार होता है, एंड ह्यूमन लाइफ किस तरीके से पूरी चेंज हो जाती है, यू विल गेट टू, लेट्स सी. डिस्कवरी Let's see the first. We do not know and when or how the early man discovered fire. हमें नहीं पता कि आग कब और कैसे, ओके, किस तरीके से जो पहले के जो ह्यूमन थे, अर्ली मैन, जो पहले के हमारे जो व्यक्ति थे जो भी रहे हुए हैं, जिन्होंने लाइफ स्पेंड की है उस पीरियड में जबकि आग नहीं था, वी डो नॉट नो कि उन्होंने आग का आविष्कार कब और कैसे किया, हमें ये पता नहीं है किस तरीके से उन्होंने आग का आविष्कार किया. नाउ परहैप्स, शायद समडे ही माइट हैव सीन एन एनिमल रनिंग अवे फ्रॉम द जंगल फायर. नाउ जंगलों में आग लग जाती है, फॉरेस्ट में फायर जो आग होते हैं वो लग जाती है, दैट यू नो. तो क्या हुआ कि यहाँ पे गेस किया जा रहा है कि परहैप्स ओके, वी परहैप्स दे हैव सीन, सो वी डू नॉट नो. फर्स्ट पॉइंट इज वी डू नॉट नो व्हेन और हाउ
the early man. हमें नहीं पता उन्होंने कैसे आग का पक्का आविष्कार किया. Now, we are guessing here, perhaps, शायद, they have seen क्या हुआ है वहाँ पे. Perhaps, he might have seen an animal running away from jungle fire. Animal running away. जंगल फाइट. आई एम नॉट राइटिंग द होल पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट हम इस तरीके से कह सकते हैं, मे बी दे सॉ ओके मे बी दे सॉ द एनिमल्स. उन्होंने देखा होगा जानवरों को जो जंगल की आग होती है उससे भागते हुए, उससे दूर भागते हुए मे बी उन्होंने जानवरों को देखा हो. दैट्स वाई ओके. तो उन्हें ये पता चला कि जो आग होती है. सो लेट्स सी द नेक्स्ट इज. सो ही केम टू नो दैट फायर कुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनिमल्स एज एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ फायर. सो मे बी हमें नहीं पता कि कब उन्होंने डिस्कवरी की और कैसे की, बट क्या पता कि ह्यूमंस ने देखा हो किसे, एनिमल्स को जंगल की आग से भागते हुए. देन दे गॉट टू नो कि एनिमल जो फायर है, तब उन्हें पता चला कि फायर कुड प्रोटेक्ट हिम, फायर कुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनिमल्स. उन्हें जानवरों से बचा सकता है क्या. तब उन्हें पता चला कि जो फायर होती है, जो आग होती है, क्या पता वो उन्हें एनिमल्स से बचा सके. क्योंकि एनिमल्स से बचने के लिए आज हमें पता है कि हम फायर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें तो नहीं पता थी ये चीज़ें. देन उन्हें ये देख के पता चला होगा जब एनिमल्स भाग रहे हों जंगल की आग से, कि उन्हें जो फायर है वो एनिमल से उनकी सुरक्षा कर सकती है. क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं उन्हें आग से डर लगता है. ओके वो एफ्रेड है किस चीज के, फायर से. नाउ द नेक्स्ट थिंग, इट इज पॉसिबल दैट सम एनिमल्स वर कॉट इन द फायर एंड वर रोस्टेड. यस इट इज पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है सम एनिमल्स caught fire okay. ये भी हो सकता है कि कुछ जो जानवर है वो क्या कहते हैं, वो आग में फंस गए हो. ओके आग में फंस गए हो और वो चल गए हो आग से. ओके उससे क्या हुआ. लेटर व्हेन अर्ली मैन टेस्टेड अ रोस्टेड एनिमल ही फाउंड अ न्यू मीट टेस्टियर एंड सॉफ्टर देन द रॉबिट. ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्या पता एनिमल्स जो है वो जल गए हो आग में. ओके आग में फंस के वो जल गए हो, उसके बाद जब ह्यूमंस ने इन्हें जो रोस्टेड फायर था, जो रोस्टेड एनिमल्स थे ओके उन्हें टेस्ट किया हो, जब एनिमल्स को ह्यूमन ने टेस्ट किया वो भी रोस्टेड एनिमल को जो कि जला हुआ था फायर में, तो उन्हें पता चला कि जो रॉ फ्लैश वो खाते हैं, जो भी रॉ फ्लैश या फिर कच्चा जो मांस वो खाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है और ज़्यादा सॉफ्ट है. क्या? एक रोस्टेड एनिमल यानी कि भुना या जला हुआ एनिमल ज़्यादा टेस्टी है एंड ज़्यादा सॉफ्ट है किसके मुकाबले में, रॉ फ्लैश खाने के मुकाबले में. तो इस तरीके से उन्हें पता चला इसके बारे में कि किस तरीके से आग उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. नाउ मे बी दीज आर द पॉसिबिलिटीज. नाउ अर्ली मैन न्यू दैट फायर वॉज अ यूजफुल थिंग. जो पहले के जो भी हमारे एंशियंट जो ह्यूमन थे उन्हें पता चला कि जो फायर है वो बहुत ही यूजफुल, बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही उपयोगी चीज़ है.
ओके बट ही डिड नॉट नो हाउ टू मेक इट, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इन्हें कैसे बनाए, लाइक आग कैसे, आग को कैसे पाया जाए, कैसे हम आग जलाएं, किस तरीके से आग को बनाए, हमें उन्हें ये चीज़ पता नहीं थी। उन्हें आग के बारे में तो पता चल गया था कि आग बहुत यूजफुल है, इसके साथ साथ हम एनिमल्स भी बन सकते हैं और हम भोजन भी अच्छा पा सकते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आग हम जलाएं कैसे। नाउ नेक्स्ट थिंग, लेट्स सी, so the next thing is, you know that early human hunted animal with stone tools. So हमें ये पता है कि जो प्राचीन समय में पहले के पीरियड में क्या होता था, अर्ली ह्यूमन जो थे वो एनिमल का हंट करते थे, ओके, अर्ली ह्यूमन हंटेड एनिमल्स विथ स्टोन्स, जो पत्थर होते हैं ना, स्टोन्स को कहते हैं पत्थर, स्टोन पत्थर से बने जो औजार होते थे उनसे जो हमारे ह्यूमंस थे वो जानवरों का शिकार किया करते थे, ओके उन्हें ये पता था कि हम पत्थरों से जानवरों का शिकार कर सकते हैं, तो वो पत्थरों से जानवरों को मारा करते थे, उनका शिकार किया करते थे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, लेटर ऑन ही मस्ट हैव सीन स्पार्क्स ऑफ फायर, सो स्टिल वी आर डूइंग गेसिंग, हम गेस कर रहे हैं कि कैसे उन्हें पता चला होगा, लेट्स सी क्या होगा बाद में। लेटर ऑन, ओके, लेटर ऑन ही मस्ट हैव, उन्होंने देखा होगा, ओके, क्या देखा होगा, स्पार्क, फायर की जो स्पार्क होती है, मे बी उन्होंने ये देखा हो, मस्ट हैव सीन स्पार्क्स ऑफ फायर व्हेन ही स्ट्रक टू स्टोन्स, फायर के इन्वेंशन में, फायर की डिस्कवरी में जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है वो यही लगाई जाती है कि जो एनिमल्स थे, जो एनिमल्स का शिकार करते थे ह्यूमंस पत्थर से बने औजार से, मे बी उन्होंने क्या किया होगा, ह्यूमंस ने दो पत्थरों को, ओके, उन्होंने दो पत्थरों को घिसा होगा आपस में, दो पत्थरों को जो आपस में रगड़ोगे, देन यू विल गेट टू नो, जब स्ट्रक करोगे, आफ्टर द स्ट्रकिंग यू विल गेट टू नो कि उसमें से स्पार्क निकलता है, चिंगारी निकलती है आपकी, जिससे उन्हें पता चला होगा। लेटर ऑन ही मस्ट हैव सीन, उन्होंने जरूर देखा होगा क्या, स्पार्क यानी आपकी चिंगारी, जब उन्होंने दो पत्थर को स्ट्रक किया होगा, ओके। एंड नेक्स्ट थिंग, By chance, a few of those sparks fell down on dried leaves. Maybe, देखिए जब उन्होंने पत्थर, दो पत्थर आपस में रगड़े होंगे और आपस में उन्होंने घिसा होगा, then spark निकली होगी, right? चिंगारी निकली होगी, then there are possibilities, okay? There are past possibilities कि वो जो sparks थे, those sparks. Fell down on dry leaves. So there are chances. ऐसी संभावना है कि वो जो चिंगारी थी वो गिर गई होगी, fell down means नीचे गिरना, पत्तियों पर गिर गई होगी, okay? एंड उसने आग पकड़ ली होगी, एंड क्या हुआ होगा, एंड उसने आग पकड़ ली होगी जिससे कि आग लगी होगी, एंड उन्हें आग के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी, ओके। नाउ ही हिमसेल्फ कुड लाइट अ फायर, आज क्या है कि आज ह्यूमंस जो है अब वो खुद आग जला सकते हैं, क्यों, अब वो खुद आग जला सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर वो दो पत्थरों को रगड़ेंगे देन चिंगारी निकलेगी, और अगर वो सूखी पत्तियों पे जाती है देन वो आग पकड़ लेगी। सो एज ईयर पास्ड बाय, अर्ली मैन लर्न दैट रबिंग बाय टू फ्लिंट स्टोन और वुड,
जैसे जैसे टाइम निकलता गया, आगे जाता गया, वैसे वैसे ह्यूमंस को पता चला कि अगर आप दो सूखी लकड़ियों को या फिर दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हो, ओके, तो उससे क्या होता है, उससे आग निकलती है। सो इस तरीके से मे बी ह्यूमंस को पता चला होगा आग के बारे में। सो दिस इज द गेसिंग गिवन हियर फॉर द फायर। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। फॉर नाउ वी हैव डन दैट कहाँ से ह्यूमंस ने गेस किया होगा कि किस तरीके से डिस्कवरी ऑफ फायर हुई है, कैसे उन्हें पता चला होगा। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।